हेलो एवरीवन, अगर आप सी यू टी 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको कौन सी बातें हैं जो फॉर्म फिल करने से पहले आपको ध्यान देनी चाहिए? क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले सोचना होगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बीटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बीटेक में मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है सी यू टी में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 9 से 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और कुछ स्टेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो सी यू टी के बेस पे एडमिशन देंगे, तो आप वो यूनिवर्सिटी अपने ऑप्शन में रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें कौन सा सब्जेक्ट जो है सी यू टी में सेलेक्ट करना होगा, सी यू टी की वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। अगर आप बी टेक पे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बताया है और उनका सब्जेक्ट बताया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं और ब्रांचेज भी बताएँ कौन से ब्रांचेज हैं किस यूनिवर्सिटी में, और हमने ये भी बताया कि उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, सारा डिटेल हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको उस वीडियो से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 6 मई 2022 है। ठीक है, और लास्ट डेट ये है, हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए, और इसमें 2 स्लॉट में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अब स्लॉट 1 में कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, स्लॉट 2 में सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये हम बात करेंगे आगे वीडियोज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्लॉट 1 है स्लॉट 2 है, अगर आप ऐसा है कि कुछ कम यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2-3 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया और उसमें आपके जो है 4 ही सब्जेक्ट आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज आ गया, एक जनरल टेस्ट आ गया और 2 डोमेन सब्जेक्ट आ गया। अगर ऐसा होता है तो एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जनरल और 2 डोमेन आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्लॉट 1 में ही करके रख सकते हैं। स्लॉट 1 में जो है आप फिल करते हैं, एक ही स्लॉट में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है, अगर आपके पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो रहे हैं तो फिर आपको दोनों स्लॉट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले स्लॉट में आप देखिए मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट ही सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें जो है आपको लैंग्वेज लेना ही पड़ेगा और लैंग्वेज के साथ साथ आपको जनरल टेस्ट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब स्लॉट 2 में अभी मैं बताऊंगा कि स्लॉट 2 में कितने डोमेन ले सकते हैं और कितने जनरल टेस्ट ले सकते हैं, कितने लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, तो स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों की फीस आप देख सकते हैं, और जनरल की 650 है, AWS और OBC की 600 है, और OBC का 550 है, और दोनों का अगर आप बुक करेंगे स्लॉट 1-2 तो 650 1300 हो जाएगा। ठीक है, SC ST का भी देख सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो टोटल आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स में है, पहले का 2 सब पार्ट है, लैंग्वेज है और एज ए मीडियम एंड लैंग्वेज, और फिर लैंग्वेज है फर्स्ट वी, और उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जनरल टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये जो लिखी हुई है कि ए कैंडिडेट कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 9 टेस्ट इन फॉलोइंग मैनर, यानी कि आप मैक्सिमम जो है 9 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं, 9 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप चूज नहीं कर सकते हैं। स्लॉट 1 स्लॉट 2 मिला करके बात हो रही है, 9 से ज़्यादा आप 10वां जो है नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप, मैक्सिमम ऑफ 2 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट ए एंड सेक्शन बी टुगेदर, मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन सेकेंड एंड जनरल टेस्ट 3rd, यानी कि आप डोमेन सब्जेक्ट मैक्सिमम आप 6 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 6 से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते, और लैंग्वेज आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरल टेस्ट 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 3 लैंग्वेज और 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और 1 जनरल टेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है स्लॉट 1 स्लॉट 2 का, स्लॉट 1 का 9 AM to 12:15 है और स्लॉट 2 का भी दिया है 3 to 6:45 PM है। ठीक है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 or more स्लॉट्स। ठीक है, उसका यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ, इन स्लॉट 1 विच विल बी हेल्ड इन मॉर्निंग शिफ्ट एक कैंडिडेट मे टेक 4 टेस्ट। ठीक है, यानी कि 4 सब्जेक्ट ले सकता है मॉर्निंग स्लॉट में, ओनली लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट ए, मैक्सिमम ऑफ 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड फ्रॉम सेक्शन सेकेंड एंड 1 जनरल फ्रॉम सेक्शन 3rd, यानी कि अगर आप मॉर्निंग स्लॉट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप 1 लैंग्वेज, 1 जनरल और 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आफ्टरनून वाला सेलेक्ट कर रहे हैं तो 1 लैंग्वेज और एंड मैक्सिमम ऑफ 4 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड इन स्लॉट 2 विच विल बी हेल्ड इन द आफ्टरनून शिफ्ट ए कैंडिडेट कैन टेक अप टू 5 टेस्ट एज फॉलो, यानी कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं स्लॉट 2 में। तो इसमें आपको देख सकते हैं 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, तो आप एक लैंग्वेज हो गया, उसके बाद एंड मैक्सिमम ऑफ 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन सेकेंड,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको जनरल टेस्ट नहीं देना है, ठीक है, तो आप क्या करें कि स्लॉट टू में बुक कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, टू लैंग्वेज फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट एंड फर्स्ट बी एंड मैक्सिमम ऑफ थ्री डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन सेकेंड। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें और थ्री डोमेन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट, अगर आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हो रहे हैं कि आपके चार डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो रहे हैं, जनरल टेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप स्लॉट टू बुक करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक जनरल देना है और एक लैंग्वेज देना है, ठीक है, और दो डोमेन स्पेसिफिक, तो आप स्लॉट वन बुक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको तीन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, डोमेन और एक जनरल और एक लैंग्वेज, तो आप स्लॉट टू सेलेक्ट करें, ठीक है। और अगर दो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, दो लैंग्वेज का ऑप्शन जो है वहाँ पे नहीं है, स्लॉट वन में नहीं है, ठीक है। स्लॉट वन में देख सकते हैं, इन स्लॉट वन बिजली मॉर्निंग कैन टेक अप टू फोर टेस्ट ओनली वन लैंग्वेज। तो अगर आप दो लैंग्वेज लेना चाह रहे हैं तो आपको फिर सेक्शन सेकंड में स्लॉट सेकंड में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छी तरीके से। आपको अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई और डाउट होता है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आप CVT का फॉर्म अगर AMU और जामिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको AMU और जामिया के वेबसाइट पे भी जा करके उनका फॉर्म फिल करना होगा। बाकी और यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा नहीं किया हुआ है, ठीक है। बाकी आप और यूनिवर्सिटीज़ का आप CVT का फॉर्म फिल कर लेंगे वो इनफ है, बट AMU और जामिया का अगर आप जो कोर्सेज CVT में हैं वो फिल कर रहे हैं तो फिर उनका अलग से भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।